अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नबीलाज किचन। आज जो सरप्राइज़ था वो ये था कि मेरे हस्बैंड की बर्थडे होती है 14 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे। तो ये आज उनकी बर्थडे सेलिब्रेट, मैंने उनको सरप्राइज़ दिया। वो आज गर्मी थे, फिर मैंने मेरे बच्चों ने मिलकर तो ये उनके लिए सारी प्रिपरेशन की और वो बहुत खुश हुए देख कर। और ये मेरी बेटी है और ये कह लें कि मेरी शहजादी है, ये मेरी प्रिंसेस है, हमारे घर की रौनक है। ये मेरी बेटी है। ये मैंने आज घर में शौरमा और ये केक, मैंने ये सब आज मैंने घर में बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसकी आपको प्रॉपर वीडियो और वो क्या कहते हैं रेसिपी के साथ कंप्लीट मैं आपको ना बता दूंगी। फिर हस्बैंड जो है वो फिर हमें ले गए। फिर अब आप मुझे गेस करके बताएं कि ये कौन सी जगह है, तो मुझे इस चीज़ का होगा कि आप मुझे बताएं, आइडिया दें कि ये मैं कौन सी जगह पर हम गए हैं। तो बस उन्होंने कहा कि चलें, बच्चों का जो है वो मूड अच्छा हो जाएगा, बच्चों की अब वेकेशन भी ख़त्म हो रही हैं। अगर आप मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बच्चों की यानी वेकेशन ख़त्म हो रही है तो 20th से इनके स्कूल ओपन हो रहे हैं। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलें, मैं बच्चों को ना फिर आ लाता हूँ, फिर हम लोग जो हैं वो चले गए। और इतना रश था आज, इतना रश था कि बस ट्रैफिक इतनी ब्लॉक थी कि जगह ही नहीं थी जाने आने की। लेकिन बस फिर भी हमने पहले हमने सोचा कि वापस चले जाएं, फिर हमने हस्बैंड ने कहा नहीं अब आ गए हम तो, हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था उधर, इसलिए माजरत सॉरी ब्लॉग जो है वो लेट हो गया इसी वजह से ही कि पहले बर्थडे की सारी प्रिपरेशन में इतना टाइम लग गया और फिर ये चले गए। फिर इसका शूट करना था, मैंने फिर वो किया मैंने शूट। तो मैंने कहा मैं अपने ना दोस्तों को यूट्यूब, जो मेरी फैमिली है और बहुत अच्छी फैमिली है यूट्यूब मेरी, तो मैंने कहा उनके साथ मैं शेयर कर दूं। बस ये है कि कमेंट में मुझे ज़रूर, ये झूले थे फिर बच्चों ने ये एंजॉय किया झूलों पर, और इनको खुश देख के तो फिर मुझे तसल्ली हो गई कि ये खुश हुए हैं बाहर जाके। जो मेरी बेटी है उसको तो बहुत शौक है कि लेके हमें आप जाएं। तो इंडिपेंडेंस डे था आज का, आज का जो दिन था वो इसी ही तरह ही यानी फिर गुजर गया, प्रिपरेशन करने में, फिर सारी चीज़ों को करने में। अगर मेरे व्लॉग में कोई चीज़ आपको मिसिंग लगे या कोई चीज़, तो आप प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट करके बता दिया करें ताकि आप मेरी सलाह भी करें, जहाँ मेरी कुछ गलती हो, जहाँ कोई है तो आप मेरी सलाह भी करें। क्योंकि जब आप फैमिली मेंबर्स होते हैं तो फिर अच्छा इंसान वो होता है जो किसी की सलाह करता है। सब अच्छा अच्छा ये मेरे बड़े बेटे हैं, ये माशाल्लाह हाफिज़ हैं, ये बेटी थी, ये उससे छोटे मेरे थर्ड नंबर के बेटे हैं। तो ये जो है ना, बस इन्होंने फिर ये इन्जॉय किया और मैं कह रही थी कि अगर आपको और मज़ीद बेहतर तो फिर मुझे उसके लिए भी आप मुझे मेरी सलाह किया करें, तो मुझे सजेशन दिया करें ताकि मैं बेहतर से बेहतर कर सकूं। और आगे भी मेरा पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा जो है वो घरेलू जो होता है अच्छी चीज़ें वो सारी प्रोवाइड करूं। लेकिन इंसान है, अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके। और ये था यानी मॉल ही है, लेकिन आपने बताना है कि ये कौन सा मॉल है। और यहाँ जो थी बहुत ज़्यादा फैमिलीज आई हुई हुई थी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो हर कोई एंजॉय कर रहा था।
और बहुत ज़्यादा इधर जो है ना रश होने की वजह से टाइम बहुत ज़्यादा इधर हो गया था हम लोगों को। तो बस ये था, ये आज की जो थी वो रूटीन थी सरप्राइज़, ये बेटी है मेरी, तो ये जो है वो ये सरप्राइज़ आज के दिन जो था वो मेरा ये था कि हस्बैंड को मैंने सरप्राइज़ देना था। और हमारे लिए ही वो इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने हस्बैंड के लिए करें। और मुझे बहुत होता है, हर साल ही मेरा ये होता है कि मैं हस्बैंड की जो है ना अपने इसी तरह, लेकिन इस मरतबा ज़रा ज़्यादा मैंने और बच्चों ने ज़्यादा यानी किया है हस्बैंड के लिए। नहीं तो पहले ये होता था कि घर भी मैंने बेकिंग और चीज़ें तैयार कर देनी उनके लिए, लेकिन इस मरतबा हमने प्रॉपर जो है वो इनकी ना सेलिब्रेट की है। तो उनको शौक नहीं है इतना, लेकिन हमें होता है कि नहीं हम जो है ना वो इनके लिए ना करें।